हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सामी नदीम खान और आप देख रहे हैं पाक व्हीकल्स बाय समीर। तो व्यूअर, जो आज का डिटेल रिव्यू है वो थोड़ा सा चेंज होगा, आज का टॉपिक चेंज होगा। आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो है इंजन ऑयल के ऊपर, क्योंकि इंजन ऑयल आपकी गाड़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। आपको पता होना चाहिए आप क्या यूज़ कर रहे हैं, फेक यूज़ कर रहे हैं या रियल यूज़ कर रहे हैं। आज हम जिस शॉप पर आए हैं, यहाँ से मैंने काफ़ी दफ़ा ऑयल चेंज कराया है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट मिली है अपनी गाड़ी के अंदर, अपनी गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी मिली है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, इसकी एड्रेस वगैरह बताता हूँ और इसके ऑनर से मिलवाता हूँ और बाकी ऑयल की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको दूंगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको पता होना चाहिए कि आप किस ग्रेड पे कौन सा ऑयल डलवाएं या कौन सा ग्रेड का ऑयल डलवाएं, आपकी किस माइलेज पे। तो ये सारी बातें अभी करते हैं, इनके ऑनर से मुलाकात करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। तो जी, ये यहाँ के ऑनर हैं और अभी इनसे बात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। तो सर, आपका नाम? मीर अब्दुल्ला संजरानी। मीर अब्दुल्ला भाई हैं ये, इस शॉप पे आपको ये मिलेंगे जब भी आप आएंगे यहाँ पे। और अभी इनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। मैं जो आज यहाँ पे शूट करने आया हूँ, जो आपको इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ, मैंने इनकी इन्फॉर्मेशन देखी है तो मैं यहाँ पे शूट करने आया हूँ। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है किसी किस्म की, हमने इनसे कोई चार्जेस नहीं लिए, हम डायरेक्ट यहाँ पर आए हैं क्योंकि इनकी इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अब्दुल्ला भाई, अभी हम आपसे गाड़ियों के इंजन ऑयल के बारे में पूछते हैं। तो पहला ऑयल हमें आया ये नज़र, ठीक है, तो इसके हवाले से हमें बताएं ये कौन सा ऑयल है ये? अच्छा, ये आपको ऐसे पढ़ने पे नजर आ रहा होगा, एस ए 530 APSN प्लस ये है। और इस ऑयल की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये है फुली सिंथेटिक ऑयल। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि इससे पहले कि मैं आपको पहले 530 या जितने भी ग्रेड्स हैं हमारे पास उसके बारे में मैं आपको बताऊं, पहले मैं आपको थोड़ा ना ऑयल की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूं। ठीक है, ठीक है। कि आया कहां से, इस्तेमाल कहां शुरू हुआ उसका असल, और उसका ये फेस कहां से आया, क्योंकि आप और हम भी जीरो से स्टार्ट हो गए। बिल्कुल ऐसे ही, इसी तरह ऑयल का प्रोसेस भी एक टाइम पे जीरो से स्टार्ट हुआ था, जहां हम 90s के जमाने में जाएंगे, जहां पहले ऑयल जो है बेसिकली नेचुरल ऑयल यूज होते थे। इसको मैं आपके सामने तीन जो है उसमें किस्मों में डिवाइड कर देता हूँ। पहला हमारे पास आ जाते हैं मिनरल ऑयल्स, दूसरे हमारे पहला हमारे पास आ जाएगा नेचुरल ऑयल्स, फिर अपने आ जाएंगे मिनरल ऑयल्स, उसके बाद आपके पास ये सिंथेटिक ऑयल्स आ जाएंगे। ठीक है। अब जो नेचुरल ऑयल्स आपको नाम से पता चलोगे नेचुरल, तो वो यूज होते थे खाने पकाने में, और 90s के टाइम पे वो जो है गाड़ियों में भी आहिस्ता आहिस्ता मशीनरीज में इस्तेमाल होना शुरू हुआ। लेकिन ऑब्वियसली बात है, आपको नाम से पता चला कि वो नेचुरल ऑयल है तो गाड़ी के इंजन के हिसाब से सूटेबल नहीं था। तो ऑब्वियसली बात है, फिर एक जो फ्रिक्शन है इंजन के अंदर, जो उसकी फ्रिक्शन हो रही थी उसको वो सपोर्ट नहीं कर रहा, जिससे इंजन में काम निकल रहा है, इंजन धुएं मार रहा है, वीक हो रहा है इंजन। बिल्कुल। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम बढ़ता गया, जमाना आगे बढ़ता गया, तो फिर हमने जो है वो मिनरल ऑयल्स इंट्रोड्यूस करवाए। मिनरल ऑयल्स में आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता इंजन की फंक्शनिंग ज्यादा अच्छी उससे होने लगी। लेकिन उसमें भी क्या मसला आ रहा था, उसमें मसला आ रहा था कि उसमें आपको इंजन को आग लगने का खतरा था, या उसमें हम ऑयल की जो है विस्कोसिटी देखते हैं, तो उसमें ऑयल की विस्कोसिटी जो है वो ज्यादा टेम्परेचर्स के हिसाब से, उसके सराउंडिंग के हिसाब से जो है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी इंजन को सही, जिसकी वजह से आग भी लग सकती थी और जो है आपकी विस्कोसिटी खराब हो सकती थी ऑयल की, उससे आपकी जो माइलेज है इंजन की, इंजन की जो लाइफ है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा था। लेकिन आज के टाइम पे जैसे हम 2022 में इस वक्त खड़े हैं, तो आज के जो मिनरल ऑयल से कंपेयर टू 90s मिनरल ऑयल्स, तो वो बहुत उससे जो है बेहतर हैं और ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। अब हम जो है मिनरल ऑयल से फाइनल स्टेप पे आएंगे, जो तीसरा उसका हिस्सा है वो है सिंथेटिक ऑयल। अब सिंथेटिक ऑयल क्या है? सिंथेटिक ऑयल समझें कि साफ ऑयल, जो भी इनका ऑयल निकल रहा है वो सारे जो फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस से गुजरता है, उसके अंदर सारे केमिकल्स मिनरल्स वगैरह जो भी यूज होते हैं उसको एक फेस में लाया जाता है, जिसको हम फिर वो सिंथेटिक ऑयल बोलते हैं उसको, क्योंकि सिंथेटिक एक उसका प्रोसेस का नाम ही होता है सिंथेटिक, उसको सिंथेसाइज किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं उसको, उसके उस स्टेज पे लाया जा रहा है जहाँ पे वो इंजन के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करे, उसका माइलेज अच्छा करे, उसकी इंजन लाइफ अच्छी करे। अब हम आएंगे ऑयल्स की तरफ। तो बेसिकली आपको पता लग गया होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से मतलब दे सकते हो लोग, लेकिन मैं मेरा जिन लोगों से बहुत जहाँ वास्ता पड़ा है, मैं मेरे को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी ने दी नहीं है। तो इसी वजह से मैं इस शॉप पर आया हूँ कि इसके जो ऑनर है उनके पास लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो जी, आप क्या कह रहे थे? अच्छा सर,
तो हम इस वक्त हमारे जो ब्रांड के जो हमारे पास ऑयल्स हैं डिफरेंट ग्रेड्स में आपको नजर आ रहे हैं, जैसे सबसे पहले हमारे पास 530 पड़ा हुआ APNSN प्लस फुली सिंथेटिक ऑयल। मैंने आपको ऑलरेडी आपको सिंथेटिक ऑयल के बारे में बता दिया कि वो क्यों यूज होता है, और जैसे आपने गाड़ियों में हम कहते हैं ना कि भाई फलाना वेरिएंट है, उसके बाद आता है कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, बिल्कुल ऐसे ही इसको समझे। मैं अपनी तरफ से नाम दे देता हूँ कि टॉप ऑफ द वेरिएंट ऑयल है हमारे पास 530 जो 530 ठीक है, टॉप ऑफ द लाइन ये हमारे पास टॉप ऑफ द लाइन है, क्योंकि ऑल दो दूसरी कंपनीज जो है वो जीरो में भी इंट्रोड्यूस करती है, फॉर एग्जाम्पल 0W फलाना डिमकाना जो भी आगे हमने नंबर लगा दिया उसका। अच्छा, अब मैं आपको पहले तो ऑयल क्यों यूज हो रहा है और ऑयल कौन सी गाड़ी में कितने माइलेज का यूज हो रहा है, इससे पहले आपको हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ कि इसमें आपको नंबर नजर आ रहे हैं 530। अब अमूमन कोई ये पूछेगा नहीं कि अरे 5 क्यों लिखा हुआ है, W क्यों लिखा हुआ है, 30 क्यों, W का मतलब क्या है। बिल्कुल, अब इसमें ये होती है स्पेशली ये लिखा हुआ होता है ऑयल की विस्कोसिटी जानने के लिए, ऑयल की विस्कोसिटी कितनी है, वो लोएस्ट टेम्परेचर में कितना अच्छा काम करेगा, वो हाईएस्ट टेम्परेचर में कितना अच्छा काम करेगा। तो यहाँ पे जो W आपको नजर आ रहा है, W स्टैंड फॉर विंटर, 5 स्टैंड फॉर द लोएस्ट नंबर, 30 स्टैंड फॉर द हाईएस्ट नंबर। ऑल्दो सिंथेटिक ऑयल जो है अपने नंबर से ऊपर या बहुत नीचे और अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन क्या है कि हमें एक एवरेज, एक ऑब्वियसली बात है कस्टमर को हम उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई आपका इंजन जो है वो -10 टेम्परेचर में भी अच्छा ऑयल काम करे, वो बोलेगा भाई मुझे एक फिगर दे दो, मुझे अंदाजा हो जाए कि मुझे अपनी गाड़ी में डालना क्या। तो इस तरह से कंपनी जो है एक फिगर डिसाइड करती है। अच्छा, तो 5 मीन्स माइनस में हम आ गए, -5 टेम्परेचर तक ये सिंथेटिक ऑयल या -5 या उससे और कम दर्जे के टेम्परेचर में ये ऑयल बहुत अच्छे से काम करता है। उसके अलावा हाईएस्ट टेम्परेचर अगर हमारे 30, अब कराची या लाहौर के बंदे तो 45-45 डिग्री में भी हमने रखा हुआ है, तो हम कस्टमर तो फिर ये भी पूछ सकता है कि हाईएस्ट टेम्परेचर आपने 30 क्यों लिखा हुआ है, जबकि यहाँ तो 45 भी टेम्परेचर पड़ता है, तो मेरे इंजन को आग लग गई तो क्या होगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी इसलिए बता दी कि इसको फुली सिंथेटिक बोलते ही इस वजह से कि ये अपनी लिमिट से ज्यादा काम करता है। ऑल दो मैं कस्टमर को पहले से रिकमेंड करता हूँ कि आप मेरे पास 6000 किलोमीटर पे आप मुझे ऑयल चेंज करवाएं, अगर आप ये 5-30 मुझसे डलवाते हैं तो, लेकिन अगर उस कस्टमर की गाड़ी फॉर एग्जाम्पल 6000 माइलेज क्रॉस भी कर जाती है तो मैं उसको बोलता हूँ कोई आपने टेंशन नहीं लेनी, ये सिंथेटिक ऑयल का फायदा ये होता है कि बंदे का जो माइंड है ना वो ऑलरेडी काम होता है कि हाँ मुझे पता है मैंने अपने इंजन में डाला हुआ क्या है, तो मुझे मसला नहीं है, मैं अगर 100, 200, even 1000 किलोमीटर जो उसकी माइलेज से ज्यादा उसको मैं चला भी लूंगा ना तो भी मेरे इंजन को कोई मसला नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपनी गाड़ी में क्या डाला है। इस सिंथेटिक ऑयल की सबसे अच्छी क्वालिटी यही है। अच्छा, अब हम आते हैं कि भाई ये कौन सी गाड़ी में डल रहा है, कितना माइलेज दे रहा है। नहीं तो बेसिकली जैसे आपने हमें बताया 6000 तक हम चला सकते हैं, ठीक है, तो ये होता है कितने माइलेज के लिए, कितनी माइलेज ये हम जो है मोस्टली तो ऐसे तो ब्रांड न्यू गाड़ियों में यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने भी काफी लोगों को ऑब्वियसली बात है ऑयल से हवाले जो जितने भी जो है हमारे जान पहचान के या जो ऑयल की इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, दूसरी कंपनीज में जो काम कर रहे हैं, उनसे जो मेरी बातचीत हुई है, सबका वैसे अलग अलग जो है रिव्यू है कि भाई आपने जो है ये 530, कोई बोलते हैं कि सिर्फ ब्रांड न्यू गाड़ियों के लिए होता है, कोई कहता है कि कोई मसला नहीं अगर गाड़ी आपकी 5 साल भी पुरानी है या 4 साल भी पुरानी है, और अगर इंजन उसका अच्छी क्वालिटी में है तब भी आप 530 डाल सकते हैं। एटलस बाय इटसेल्फ जो है आपको रिकमेंड करती है कि आप 530 जो है या तो ब्रांड न्यू गाड़ी में डालें, या आपकी गाड़ी अगर लाख के अंदर चली हुई है, 1 लाख किलोमीटर के अंदर आपकी गाड़ी चली हुई है या 1 लाख तक चली हुई है, अंदर अंदर लाख के लिए बेस्ट है, बेस्ट है। अगर लाख से ऊपर जाते हैं तो उसकी भी बताते हैं, बेसिकली आप 1 लाख के अंदर अंदर 80,000-90,000 1 लाख के अंदर की लिमिट में अगर ऑयल रखें तो ये बेहतरीन है। लेकिन जैसे एक बात है, एक बंदा यही ऑयल चला रहा है, ठीक है ना, वो पूरे लाख किलोमीटर तक उसने चलाया, उसके बाद आप उसका ग्रेड चेंज करते हैं यही ऑयल पे रखते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी आपने 1,50,000 1,10,000 चला ली, अब आप गाड़ी ले आए, आपने कहा कि अब्दुल्ला भाई आपने मुझे कहा था 1 लाख के अंदर ही ऑयल चलेगा, मेरी गाड़ी 1 लाख से ऊपर, अब मैं क्या करूं, अब हम क्या करेंगे, हम पहले तो आपके इंजन की जो है कंडीशन देखेंगे, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर आपकी गाड़ी 1 लाख से ऊपर जा चुकी है तो हम जो है इसका ग्रेड चेंज कर दें, बिल्कुल जरूरी नहीं, अनटिल अनलेस आपका इंजन खुद बोल रहा हो कि भाई अब मुझसे जो है फुली सिंथेटिक ऑयल नहीं संभाला जा रहा, इसकी जो विस्कोसिटी है वो मेरे इंजन को सही से ले नहीं पा रही, मुझे कुछ और दो, आपका मैदा खराब हो जाएगा, जैसे आपका मैदा खराब होता है आप उसकी दवाई खुराक बदल देते हो, जब गाड़ी का इंजन ऊपर नीचे करना शुरू कर देता है काम, तो फिर हम उसकी जो है वो ग्रेडिंग चेंज कर देते हैं। सही, तो ये डिपेंड करता है कि हम 530 से ग्रेड अपना चेंज शुरू करते हैं इंजन का। तो अब आपने ये देख लिया कि आपको ग्रेड कब चेंज करना चाहिए, अगर आप 0 मीटर गाड़ी ले रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑयल है एटलस मोटर का 530 तो ये कितने 4 लीटर की बोतल है, इसमें 4 लीटर भी आती है, 3.5 लीटर की भी आती है और 3 लीटर की भी आती है, डिपेंड कि आपके 4 लीटर है इसकी क्या प्राइस है, इसकी आपको प्राइस पड़ जाएगी, मैं आपको देख के बता देता हूँ, क्योंकि ऑल्दो आपको पता है प्राइसेस बढ़ती रहती हैं इसकी,
ये आपको 4080 का पड़ेगा। 4080 जी बिल्कुल, 4080 का आपको 4 लीटर का डब्बा पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास और बड़े डब्बे हैं। इसके अलावा हमारे पास फिलहाल 3 लीटर में हमने रखा हुआ है हमारे पास, ये आपके सामने 3 लीटर में। 3 लीटर की क्या प्राइस है हमारे यहाँ? 3 लीटर आपको 3060 का पड़ जाएगा। 3060 का ये आपको 3 लीटर पड़ता है बिल्कुल। तो अब्दुल्ला भाई, ये जो अब जो दूसरा ऑयल हमें नजर आया है 1040, तो ये 1040 बेसिकली अगर हम इससे शिफ्ट होते हैं तो 1040 पे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। 530 से शिफ्ट होके जब आपकी गाड़ी मतलब माइलेज आपकी बढ़ जाती है, अगर आपको अपना इसके ऊपर का ग्रेड लाना है तो आप यहाँ पे आ जाएंगे 1040 पे। ठीक है, ठीक। तो 1040 की जो प्राइस है वो आप हमें बताएं क्या हो जाएगी इसकी प्राइस? अच्छा, 1040 की प्राइस जो एटलस ने रखी हुई है वो रखी हुई है 2390 फोर लीटर। ये जी नहीं, ये 3 लीटर में, 3 लीटर में, ये 3 लीटर में बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद अगर हम आते हैं तो आ जाते हैं 2050 पे। ठीक है, तो अगर फिर दोबारा ग्रेड चेंज करना है गाड़ी का, ठीक है, तो फिर हम आ जाते हैं 2050 पे। 2050 पे ये मेरे ख्याल बड़ा यूनिवर्सल है, ये बड़ा ज्यादा लोग। ठीक है, तो 2050 आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कितनी माइलेज होनी चाहिए कि गाड़ी जब आपकी गाड़ी 2050 चले? ठीक है, अच्छा, अब 2050 में हमारे पास पहले तो दो किस्में आ जाती है। एक इसमें आ जाता है API SL, दूसरा हमारे पास आ जाता है API SG। ये नीचे आपको दिख रहा होगा, ये API SG है जो 3.5 लीटर में हमारे पास पड़ा। अच्छा, अब ये ऑयल हम उन गाड़ी में रिकमेंड करते हैं जिनकी माइलेज 2 लाख से ऊपर चली गई है, या फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी 4 साल 5 साल इवन 7 साल पुराना उसका इंजन हो चुका है। ठीक है, अब SL और SG में क्या फर्क है? SL हम उस गाड़ी में डालेंगे जो के ऑयल तो पुराना है, तो उसकी वजह से हम उसकी विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए, उसके ऑयल की थिकनेस को बढ़ाने के लिए हम उसमें 2050 उसमें डालेंगे। लेकिन अगर आपका इंजन स्मोक मार रहा है, धुआं मार रहा है, उसकी कंडीशन खराब है, या उसके रिंग पिस्टन जो है बहुत वीक हो गए, तो फिर हम उनको जो है SG जो है सजेस्ट करेंगे कि आप SG यूज करें। सही, तो अच्छा, ये जो बेसिकली जो ये आपका आता है 530, इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम होती होगी? इसकी थिकनेस सबसे कम होती है। ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है बिल्कुल 1040, बिल्कुल इसकी थोड़ी सी उससे ज्यादा होती होगी बिल्कुल, ये फिर उससे ज्यादा है बिल्कुल। ठीक है, तो बेसिकली ये थिकनेस का भी थोड़ा सा गेम है, क्योंकि आपकी गाड़ी का इंजन आपको जो बताता है इससे आपकी गाड़ी के, देखें अगर आप ये जो पूरे ग्रेड के हिसाब से ऑयल डलवाते हैं इससे आपको माइलेज में फर्क पड़ता है। ठीक है ना, आपकी गाड़ी का इंजन में पावर में फर्क पड़ता है, आपकी गाड़ी का इंजन स्ट्रांग रहता है, इन सब चीज़ों को भी बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। तो पहले हमने जो आपको उसका ऑयल का बताया वो बेसिकली पेट्रोल इंजन के लिए थे, अब जो है यहाँ पे आपको डीजल इंजन के लिए ऑयल मिल जाते हैं। तो अब्दुल्ला भाई, ये जो पहला जो इन्होंने आपने जो रखा हुआ है, ये बेसिकली ये भी उसी तरह के माइलेज के लिए है जी बिल्कुल, डीजल इंजन गाड़ी के लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये हम कितनी माइलेज तक यूज कर सकते हैं? ये भी आपका 6 to 7,000 तक का माइलेज देगा, जैसे हमने सिंथेटिक ऑयल की बात की थी 530 की, उसका हमने कहा था कि फुली सिंथेटिक ऑयल है, टॉप ऑफ द लाइन ऑयल है, ब्रांड न्यू इंजन के लिए सबसे कम विस्कोसिटी, पतला ऑयल है सबसे ज्यादा। उसी तरह समझे, उसी पेट्रोलियम ऑयल को हम डीजल की शक्ल में ले आते हैं, बस ग्रेडिंग का फर्क होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डीजल इंजन पेट्रोलियम इंजन उनकी फंक्शनिंग अलग होती है। डीजल इंजन जो है वो थोड़ा हाई परफॉर्मेंस हाई ड्यूटी इंजन होता है, तो ये हाई ड्यूटी जो हमारे ये रैक में जो आपको ऑयल दिख रहा है ये हाई ड्यूटी ऑयल है। ठीक है, तो ये बेसिकली गाड़ी की कितनी माइलेज तक, ये आपको गाड़ी की अपनी जो इंजन की माइलेज की बात कर रहे हैं, इंजन की माइलेज, ये आपको जैसे पेट्रोलियम और सिंथेटिक ऑयल का आपको 1 लाख तक या 1 लाख के अंदर हम सजेस्ट करते हैं एटलस, उसी तरह आपको अपना 5W40 जो है ये भी हम आपको 1 लाख तक का ही इसकी माइलेज सजेस्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आ जाता है 2050 जी। ठीक है, ये उसके बाद का ग्रेड है, ये उसके बाद का ग्रेड। ठीक है, अगर गाड़ी में अगर आपने ग्रेड चेंज करना है तो उसके बाद ये ग्रेड आ जाएगा बिल्कुल। तो इसके बाद कौन सा ग्रेड मिलता है हमें? इसके बाद आपको फिर हम यहाँ आ जाते हैं जो कि SAE 50 मिलता है। ठीक है, SAE 50। ठीक है ना, ये थर्ड ग्रेड में आ जाता है। ठीक है ना, ये थर्ड ग्रेड में, ये बहुत ज्यादा ठीक होगा बिल्कुल। ठीक है, तो भाई अगर इसकी बात करें प्राइस की, तो ये 4 लीटर का जो कितने का हमें पड़ जाएगा? ये 4 लीटर आपको 2620 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, 2620 रुपए का ये पड़ता है आपको। बाकी अगर इसकी बात करें, ये आपको 2360 तक का आपका ये ऑयल पड़ेगा, 2360 रुपए का 4 लीटर ऑयल है बिल्कुल। ठीक है, बाकी अगर ये इसकी बात अच्छा करें। इसकी मैं जो है ना प्राइसिंग बताने से पहले आपको, आप एक डिफरेंस देख रहे होंगे कि हमारे पास इस वक्त जितने भी ऑयल की ग्रेडिंग हुई है सही, सब में आप मल्टी ग्रेडिंग देख रहे हैं। मल्टी ग्रेडिंग मतलब दो नंबर, ठीक, दो नंबर 2050 10 40 5 30, इसमें आप देख रहे होंगे कि एक ही ग्रेडिंग बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही। तो बंदा पूछेगा कि यार ये SAE 50 क्या है? सही, तो अब इसमें हम ऑयल की डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसकी विस्कोसिटी के ऊपर। सही, क्योंकि पुराने जमाने में क्या था कि ज्यादातर ऑयल, मैंने आपको बताया था, मिनरल्स यूज होते थे, नेचुरल यूज होते थे, तो उनकी ग्रेडिंग होती ही सिंगल थी, इसको मोनो भी बोलते हैं। सही, ये हमारे पास आ जाता है एज अ मोनो ग्रेडिंग, ये मल्टी ग्रेडिंग जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जदीद जमाने में जो है वो मल्टी ग्रेडिंग ऑयल यूज हो रहा है। ठीक है,
और ये जो ऐसे ही 50 है ये मोनोग्रेडिंग है, ये ऑयल जो है थोड़ा सिंथेटिक तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल जो सीधी सी बात है, ये हम पुराने इंजन में सजेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी मोनोग्रेडिंग है जो कि पुराने जमाने से ऑयल यूज होता हुआ आ रहा है, ये पुराने जो पहले के इंजन अभी भी चल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जो हाई ड्यूटी इंजन है, बड़े इंजन है लेकिन उनमें काम बहुत है, तो हम उनको फिर ये ऑयल सजेस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे क्लच प्लेट वीक है, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये हमारे कितने का प्रोडक्ट, ये आपको 4 लीटर 2000 का पड़ेगा। ठीक है चल। अच्छा ये आप मुझे बताएं, जैसे अभी प्राइसेस ऊपर नीचे होती तो हमारे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जैसे अभी आपने मुझे प्राइस बताया या वीडियो में लोगों को बताएं, तो अगर कोई बाद में आता है तो वो इस चीज़ की शिकायत भी कर सकते हैं, नहीं सर आपने तो ये इतने पैसे बताए थे, तो लेकिन अब देखें ना, अब जिस तरह ड्यूटियाँ बढ़ रही हैं, हर चीज़ बढ़ रही है, मतलब हर चीज़ महंगी की तरह भी जा रही है, कोई पीछे नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो अगर आप आते हैं, अगर आपको 150 रुपये का फ़र्क पड़ता है तो ये प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि भाई ये अब हर चीज़ महंगी हो रही है, ये आपको भी पता है। बिल्कुल। ठीक है ना, तो अभी हमारे पास एक चीज़ मुझे नज़र आई, ये है नासा का, ये कूलेंट है बेसिकली, ये कूलेंट है। ठीक है, तो कूलेंट हमारे को कितने का मिलता है, 620 रुपये। बिल्कुल ठीक है, आपको 620 का पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये छोटा है, अगर आप छोटा, ये बस लीटर्स का फर्क है इनमें। ठीक है, बाकी हमारे पास ये जो ऑयल है, बिल्कुल ये बेसिकली बाइक का ऑयल है, ये बाइक ऑयल है, ये गियर ऑयल है। ठीक है, ये गियर ऑयल है, ये गियर ऑयल है, बिल्कुल। ठीक है, ये गियर ऑयल मिलता है आपको, गियर ऑयल भी यहाँ पे आपको अवेलेबल इजीली मिल जाता है, इजीली। ठीक है, ये भी सारे एटलस के अपने खुद के फैक्ट्री के ऑयल है। यहाँ पे जो जितनी भी ये प्रोडक्ट्स आपने एटलस की देखी है, ये ओरिजिनल है, बी ओरिजिनल है, ठीक है ना, इसमें कोई कॉपी नहीं है किसी किस्म की। अगर आप आना चाहते हैं, आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो बेसिकली आए टेस्ट करें इजीली। ओके, अच्छा अब्दुल भाई एक छोटी सी कन्फ्यूजन ये है कि हम अपनी गाड़ी में जो ऑयल डाल लें, हमें कैसे पता लगेगा फेक है, कैसे पता लगेगा आपको फेक है? अच्छा, हमारी इंजन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, या मतलब हमें किस तरह उसको सर्च करें? ठीक है, अब इसमें मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि एक मिथ भी है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि बोलते हैं कि भाई ऑयल आपका काला हो रहा है, तो भाई ऑयल आपका खराब है, ऑयल जल्दी काला क्यों हो रहा है? तो ऑयल का काला होने से ऑयल की कंडीशन को आप जज ना करें, ये मैं आपको एक कॉमन मैन की जबान में समझा रहा हूँ, या बीइंग फ्रैंक आपको मैं समझा रहा हूँ, वो इस वजह से क्योंकि देखें, आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको आसान लफ्ज़ों में, कि अगर आप एक टेबल को साफ कपड़े से साफ करते हैं, टेबल मैली है लेकिन कपड़ा साफ है, और वो कपड़ा टेबल को साफ करने के बाद खुद मैला हो जाता है, सफ़ेद से काला हो जाता है, लेकिन टेबल आपकी साफ होगी, मतलब आपके कपड़े ने अपना काम पूरा किया। सही। अगर इसी तरह आपका ऑयल जो कि आपको इस वक्त गोल्डनिश येलोइश कलर में साफ नज़र आ रहा है, और उसके बाद आप कहते हैं यार ऑयल अब जो है मेरा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंथेटिक ऑयल डाल के दे रहा हूँ जिसकी माइलेज अप टू 7000, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई मेरे ऑयल जो है वो 4000 किलोमीटर के अंदर ही काला हो रहा है, क्यों? तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका ऑयल जो है ख़राब है, या आपका ऑयल अपना काम सही से नहीं कर रहा है, या उसकी विस्कोसिटी इंजन के हिसाब से सही नहीं है, या टेम्परेचर में सही परफॉर्म नहीं कर रहा, उसका मतलब ये कि वो अपना ऑयल वाकई सही काम कर रहा है, वो आपको इंजन को साफ कर रहा है, आपके इंजन को प्लेट्स को आपस में रगड़ने नहीं दे रहा, उनकी फ्रिक्शन जितनी कम हो सकती है वो कम कर रहा है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हम ऐसे कर सकते हैं साफ ऑयल की और दो नंबर ऑयल की, कि आपकी गाड़ी धुआं मार रही है, आपकी गाड़ी आपको जो पेट्रोल एवरेज है वो कम दे रही है, उसको आपने जो है इंजन की परफॉर्मेंस आपको कम आ रही है, इंजन उसका वीक होता हुआ आपको खुद गाड़ी जो बंदा चलाता है उसको पता चलता है कि भाई मेरा इंजन जो मुझे वो पावर नहीं दे रहा जो वो पहले देता था। तो इन चीज़ों से ऑयल में आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बेसिक जो है आपको पता लग गई है, मतलब कि अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो आपको उसका पता लग जाएगा कि आपकी मतलब क्या गाड़ी का प्रेशर कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है, या अगर मतलब अभी तो यार ऑटो गाड़ी का दौर आ गया, अगर क्लच वाली गाड़ी है तो आपको क्लच वाली गाड़ी में भी आपको ईजिली पता लग जाएगा कि आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस कम हो गई। जाहिर बात है गाड़ी गर्म होगी, जाहिर अब जैसे ऑयल मतलब हल्का होगा तो गाड़ी गर्म भी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कांटा उठेगा आपका, हीटअप होने का खतरा रहेगा, इन सब चीज़ों से आपको पता लग जाएगा कि आपके जो इंजन ऑयल है वो रियल है या फेक है। तो अब हम आ गए हैं फिल्टर्स की तरफ, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर या एसी का फिल्टर। तो अब्दुल भाई सारे फिल्टर हमारे पास अवेलेबल हैं इजीली? बिल्कुल बिल्कुल, आपको हमारी एटलस की इस फ्रेंचाइज पे A to Z ऑलमोस्ट तकरीबन सारी कराची में चलने वाली गाड़ियों के आपको फिल्टर्स मिलेंगे, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, लोवेस्ट वेरिएंट, आपकी कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि फिल्टर्स में भी साफ सी बात है कस्टमर में से तो एवरेज आम बंदा यही बोलेगा कि यार मुझे थोड़ी सस्ती चीज़ दिखाओ महंगाई की वजह से, इस वजह से हमने जो है दोनों क्वालिटीज़ रखी हुई है, आपको यहाँ पर कम क्वालिटी भी मिलेगी, आपको यहाँ पर सुपीरियर क्वालिटी भी मिलेगी, अब वो कस्टमर के डिमांड के हिसाब से हम उनको वही चीज़ प्रोवाइड करते हैं। वो आपके अपने ऊपर है, जब आप यहाँ आते हैं तो आपकी प्राइस आपके सामने रख दी जाती है, अगर आपको लोकल चीज़ लेनी है तो लोकल भी मिल जाती है, और आपको ओरिजिनल चीज़ अच्छी क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी में लेनी है वो भी आपको मिल जाएगी, ये आपका अपना डिसीजन होगा।
अब करते हैं थोड़ा दूसरे प्रोडक्ट्स की बात, जैसे कि आपको यहाँ एक लाइन अब नजर आ रहा होगा, इसमें आपकी गाड़ी की पॉलिशेस वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अलग अलग चीजें हैं, छोटी प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको फ्रेम कर दी है। बाकी यहाँ पे इसका जो बड़ा एक रैंप लगा हुआ है, यहाँ से आपको क्वांटिटी भी मिल सकती है चीजें। तो पहली चीज हमारे पास अब्दुल्ला भाई, ये क्या मिल जाता है? ये नासा की कंपनी का आपको रेडिएटर कूलेंट मिलेगा, जिसका काम बेसिकली ये होता है कि कूलेंट से निकल रहा है कूल। कूल मीन्स कि आपकी जो गाड़ी का इंजन है, जो रेडिएटर है, उसको कूल करता है, उसका टेम्परेचर कम करता है कि वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स में भी आपकी गाड़ी को ठंडा रखे और उसकी परफॉर्मेंस को बरकरार रखे। तो इसकी क्या प्राइसेस है? इसकी प्राइस आपको पड़ जाएगी 620 रुपए की। ठीक है, 620 रुपए की। अब सेकेंड चीज हमारे पास ये है, ये क्या है? ये आपको वारको कंपनी का पावर स्टीयरिंग फ्लूइड है। पावर स्टीयरिंग फ्लूइड अब हर बंदे को ही पता है कि भाई जिसकी गाड़ी पावर स्टीयरिंग, उसमें वो ये फ्लूइड इस्तेमाल करता है। तो इसकी क्या प्राइस मिल जाती है हमारे को? इसकी प्राइस आपको मिल जाएगी 550 की। 550 में आपको ये पावर स्टीयरिंग कॉइल मिल जाता है। अब ये आ जाते हैं थर्ड प्रोडक्ट पे, तो ये क्या? अच्छा, ये मैट्रिक्स कंपनी का स्टॉप ऑयल है। आपका इंजन अगर ट्रीटमेंट मांग रहा है, फॉर एग्जांपल हमने पहले भी बात की थी कि आपका इंजन वीक है, धुआं मार रहा है, क्लच प्लेट है, रिंग उसके कमज़ोर हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, जब हम उसके इंजन के अंदर ऑयल डालते हैं, मोटी थिकनेस का, ज़्यादा विस्कोसिटी का ऑयल डालते हैं, तो उसके साथ हम कस्टमर को सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी गाड़ी में ऑयल के साथ साथ, लुब्रिकेंट के साथ साथ मैट्रिक्स ऑयल भी यूज़ करें, ताकि आपके इंजन की वो परफॉर्मेंस तो नहीं बढ़ाएगा, उसकी लाइफ तो नहीं बढ़ाएगा, लेकिन एक अच्छी खासी आपको इंजन को परफॉर्मेंस देने में असिस्टेंस कर देगा, कि वो आपके इंजन को जितना ज़्यादा ड्रैग कर सकता है चलने में, कि आपकी गाड़ी ना मैकेनिक तक ना पहुँचे, वो आपको परेशानी ना हो रस्ते में। तो उसके लिए हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप मैट्रिक्स का स्टॉप ऑयल यूज़ करें। तो देखा आप लोगों ने कितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल ली है, मुझे भी, मैं भी इसी से इंस्पायर होकर आया हूँ। तो इसकी क्या प्राइस हो जाते हैं? इसकी प्राइस आपको पड़ जाएगी 250 तक। 250 आपको मिल जाती है। 250 में आपकी गाड़ी का धुआं रुक रहा है, पहले बता दूंगा। बाकी ये क्या आ जाता है हमारे पास? ये हमारे पास आ जाता है सीकिन का, कोई साइकिन भी बोलता है, सीकिन भी बोलता है। अब हम तो भाई पाकिस्तानी लोग हैं, अंग्रेजी लफ्ज है, हमें जो समझ में आ रहा है मुस्तफा लहजे में बोलते हैं इसको। ये आपको सीकिन का ब्रेक ऑयल है, और इसमें ऑल लोग इसमें भी आती है, आपने गार्ड का नाम भी सुना होगा, अपने यूनाइटेड का नाम भी सुना होगा, सीकिन का नाम शायद आपने कम सुना हो, क्योंकि ये एक आम बंदा अफोर्ड करना पसंद नहीं करता है इसकी प्राइस रेंज की वजह से। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी के जो ब्रेक फ्लूइड है वो लीक ना करे, उसमें लीकेज ना हो, और आपका गाड़ी का ब्रेक ऑयल कम ना हो, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सीकिन का ब्रेक ऑयल यूज करें। ये समझे एक दफा डलवाने वाली चीज है, आप एक दफा डलवाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी मिलेगी और आपको मैकेनिक की तरफ जाना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम आपको ये बता दें कि इसमें कोई भी चीज़ स्पॉन्सर्स नहीं है, ये हम आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहे हैं कि आप अच्छी से अच्छी चीज़ क्या इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। अच्छा, ये हमारे पास आ जाता है गियर ऑयल। जी बिल्कुल, ये ATF का आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड है, ATF, ये गियर ऑयल गाड़ी में यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको 750 का मिल जाएगा। जी बिल्कुल, 750 का मिल जाता है, इतनी कोई हाई कॉस्ट नहीं। अच्छा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जो गाड़ियों के शौकीन है, जो साफ रखने के जो लोग अच्छा शौक रखते हैं। अच्छा, ये पॉलिश कौन सी कंपनी की है? ये अपना फ्लेमिंगो कंपनी की है। फ्लेमिंगो कंपनी की है, तो ये आप रिकमेंड करते हैं लोगों को यूज करने के लिए? बिल्कुल रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या प्राइस है? 600। जी 600। बाकी ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये कॉस्मिक की है, तो मेरे ख्याल 90 से शायद थी यार ये। ठीक है ना, ये का भी डेंटर पेंटर हर बंदा यूज कर रहा होता है, इसके प्राइस क्या है सर? ये आपको 900 का पड़ेगा। 900 का पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, ठीक है ना, ये आप लोग अक्सर जो है गोरे डालते हुए नजर आते होंगे, जितनी चीज़ों में हमारे यहाँ बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बेसिकली मकैनिक है ना, वो सोचते हैं कि पहले हम जो है ना इसमें कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसके बाद इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करें। ठीक है ना, अगर हम इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारी गाड़ी की परफॉर्मेंस खुद ही अच्छी हो जाती है। लेकिन हमारी सोच ये होती है कि यार इससे कहीं इंजन सीज नहीं हो जाए, यार कोई मसला ना हो जाए। हमारे यहाँ जो है मैकेनिक जो है वो बोलते हैं कि पहले आप हमारे पास आए, अपनी जो है सारी ट्यूनिंग वगैरह कराएं, बस वो सही है। ये बेसिकली आपकी क्या यूज के लिए होता है? अच्छा, ये इसमें आप तीन किस्में देख रहे होंगे कि एक आपको गैसोलीन ट्रीटमेंट मिल रहा है, एक डीजल फ्यूल में आ रहा है, और एक आपको फ्यूल इंजेक्टर के उसमें। अच्छा, अब तीनों का काम एक ही है, इंजन के वेरिएंट के हिसाब से और इंजन के काम करने के हिसाब से इसको हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपने इंजन में यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर डीजल इंजन है तो मैं आपको डीजल फ्यूल इंजेक्टर सजेस्ट करूँगा, अगर आपको पेट्रोलियम है मैं आपको पेट्रोल सजेस्ट करूँगा, और अगर CNG पे गाड़ी ज़्यादातर चलाते हैं तो उसके हिसाब से आपको गैस ट्रीटमेंट यूज़ करने का बोलूँगा। अच्छा, इनका काम कोई इतना ज़्यादा हाई फाई नहीं है, इनका काम ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि आपके इंजन की वो रस्टिंग को कम करे, इंजन की परफॉर्मेंस को अच्छी करे, थोड़ी सी असिस्टेंस दे दे आपके ऑयल को, उसकी विस्कोसिटी को, और जो आपके फ्यूल इंजेक्टर्स वगैरह होते हैं उनको ये साफ़ करने में, ट्यूनिंग करने में बेसिकली काम आता है।
अब देखिए जिस तरह हमारे यहाँ पोल्यूशन बढ़ती जा रही है और कराची एक मेरे ख्याल कोई मट्टी का ढेर बनता जा रहा है, उस हिसाब से ये मेरे ख्याल अब थोड़ा सा जरूरी हो गया गाड़ी के इंजेक्टर। जाहिर बात है एक हद तक हर चीज़ बर्दाश्त करती है, उसके बाद वो स्लो हो जाती है। हर जगह मट्टी है, हर जगह मतलब कुछ ना कुछ गंदगी आपको मिलेगी, क्लियर कोई चीज़ नहीं मिलेगी। चलिए उसको खैर छोड़ें, बाकी ये सेवन सी मिल जाता है, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, ये एक बड़ी पुरानी चीज़ है। सर इसके भी क्या प्राइस है? बल्कि 350। अच्छा इसके आपने मुझे प्राइस नहीं बताया। इसके प्राइस आपको अप टू 150 भी इसकी पड़ जाती है, अप टू 500 भी पड़ जाती है, डिपेंडिंग ऑन लीटर आप कौन सा खरीद रहे हैं। सही, ठीक है। बाकी ये जो है ये आपका टायर वॉश है या टायर की पॉलिश है? जी ये टायर फोम है। टायर फोम है, बिल्कुल। आप इसके ऊपर आपको ब्रश भी मिलता है, जैसे आप उस तरफ देख रहे हैं, ठीक है। ये आपको ब्रश भी इसके साथ मिल जाता है, सफाई भी। ये मेरे ख्याल कितने की है? ये आपको 400 की पड़ेगी। 400 की पड़ेगी। और ये फोम क्लीनर है, ये आप टायर में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये जो आपकी गाड़ी के अंदर जितने भी फोम मटेरियल है, सीट्स आ गए, लेदर सीट आ गए, रेसिंग आ गए, उसके ऊपर आप इसको, ठीक है। ये 550 की मिल जाती है आपको। बाकी आपको ये WD-40 टाइप लग रहा है मुझे जी, बिल्कुल ये WD-40 टाइप ही है। सही, फर्क बस सिर्फ कंपनी का है, ठीक। WD-40 इटसेल्फ बाय कंपनी है, और ये आपको नासा का मिलेगा रस्टिन ऑयल के नाम से, काम दोनों का बिल्कुल एक ही है कि आपकी गाड़ी के जहाँ रस्ट लग रही है, जैसे ऑलमोस्ट जो गाड़ी के क्रोम मटेरियल जो होता है वो जंग पकड़ना शुरू कर देता है पानी की वजह से, खारे पानी की वजह से, वहाँ पे आप इस चीज को इस्तेमाल करें तो आपको वहाँ इंशाल्लाह बहुत सफाई नजर आ जाएगी। इसकी क्या प्राइस है? ये आपको अप टू 250 पड़ जाएगा। 250 का पड़ जाएगा, ठीक है जी। बाकी आपके प्रोडक्ट में आपको दिखाता हूँ, ये क्या है बेसिकली? ये भी नासा कंपनी का आपका ग्रीस ऑयल है, ग्रीस लिक्विड में फॉर्म में आता है, ये पैकेट के फॉर्म में आता है। सही। तो काम तीनों का एक ही है, जो जिस तरह इस्तेमाल करना चाह रहा है उसकी मर्जी है, रस्टिंग लगना, प्लेट्स के अंदर फ्रिक्शन बढ़ना, उस चीज़ को ये कम करता है। ये प्रोडक्ट्स आपने देख लिए, ऑयल आपने देख लिया है, बाकी बाइक के ऑयल भी हैं इनके पास, ऑयल की जो मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है भाई, मुझे भी इन्होंने बहुत सब कुछ मतलब मेरे भी बहुत कुछ नॉलेज में आया कि अगर मैं कहीं से ऑयल डलवाता हूँ तो इन सब चीज़ों का ख्याल करूँगा। तो यहाँ पर आपको जो है बैटरियाँ भी मिल जाती हैं अवेलेबल, तो अब्दुल भाई सारी बैटरियाँ अवेलेबल हैं या मतलब अरेंज करा देते हैं या क्या इसका प्रोसेस? हमारी फ्रेंचाइज की अच्छी बात यह है कि एक तो आपको पूरे फ्रेंचाइज में सिर्फ एटलस के ऑयल्स मिलेंगे, ये एटलस की ही फ्रेंचाइज है, हम कोई ऑयल और दूसरा ऑयल नहीं रखते, क्योंकि हम दूसरे ऑयल की ना हम खुद उस पर भरोसा करते हैं ना हम उसकी गारंटी कस्टमर को देते हैं। सही। इसी तरह जब हम बैटरीज की तरफ आते हैं तो आपको पता है एटलस सनडॉस और एजीज बैटरी दोनों की पार्टनरशिप, तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी तादाद भी मिलेगी बैटरीज की, और जिस बैटरी की आप यहाँ पे आपको नीड होगी, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपको बैटरी अरेंज भी करके देते हैं। अगर इसी तरह अगर कोई ऑयल के लिए आता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो मुझे फला ऑयल चाहिए, अब देखें जिस तरह एटलेस है इसी तरह और भी ऑयल है उसके अंदर भी कॉपीज बनती है, बिल्कुल। तो आप अगर कोई दूसरा ऑयल मंगवाता है तो उसको भी आप ओरिजिनल ऑयल मंगवा सकते हैं, दे सकते हैं, बिल्कुल, ठीक। क्योंकि हम ये शॉप फ्रेंचाइज है ही एटलेस की डीलर्स की, सही, और हम उनके सर्टिफाइड एटलेस के डीलर्स हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। आपको मैं सर्टिफिकेट भी एंड में हम आपको शो कर देंगे कि हम सर्टिफाइड उनके जो हैं डीलर्स हैं, ताकि क्योंकि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी आती है इंसान के अंदर, खुदा ना खास्ता कल को अगर मेरे गाड़ी के अंदर कोई भी मसला आ जाता है इस वजह से क्योंकि मैंने फलाना ऑयल यूज किया था, तो पहले तो ऐसा आपकी शिकायत आएगी नहीं, लेकिन अगर आती है तो एटलस इटसेल्फ आपके साथ खड़ी भी होगी, आपको जिस तरह हम कंपनसेट करेंगे वो हम कस्टमर को उसको कर देते हैं। जाहिर बात है अगर अल्लाह ना करे आपकी गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम आती है ऑयल से, तो पहले आपकी गाड़ी का लैब किया जाएगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा, वो जो कंपनी लैब करेगी आपकी गाड़ी का इंजन, फिर आपको बताएगी कि भाई ये ऑयल का इशू है भी या नहीं, अगर ऑयल का इशू होगा तो वो आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो व्यूअर्स ये था आज का डिटेल रिव्यू पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ये जो शॉप है ये एटलस की सर्टिफाइड है और यहाँ की जो ऑयल्स वगैरह सब सर्टिफाइड है, यहाँ पर ईजिली आए आप, अभी आपको मैं इसका एड्रेस बताता हूँ, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी एड्रेस डालूंगा मैं इसका, यहाँ पे आए ऑयल चेंज कराएं, अगर अल्लाह ना करे कोई शिकायत आपको मिलती है तो उसको ये फेस करें, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि मतलब ऑयल दे दिया गाड़ी चले गई बस खत्म, नहीं ऐसा नहीं है। अगर अल्लाह ना करे लेब के बाद अगर इनकी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये इसको फेस करेंगे, क्योंकि सर्टिफाइड है, नॉट ऐसी कि बस इन्होंने दुकान करी और ये ऑयल बेचने शुरू हो गए, नहीं, ये सर्टिफाइड शॉप है, ये नॉर्मल शॉप नहीं है। तो अभी मैं आपको एड्रेस बताता हूँ इसका, तो अब्दुल भाई इसका बेसिकली एड्रेस क्या है? अच्छा ये हमारी शॉप S&K ऑयल ट्रेडर्स के नाम से, पावर्ड बाय एटलस होंडास, ये शॉप आपको मिल जाएगी नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक ई मेन शारा नूर जहाँ पे, सही है। जैसे आप कटी पहाड़ी से थोड़ा सा आगे आगे जाते हैं शिपोनर के लिए, जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो आपको जाने वाले रोड से राइट पे ही मिल जाती है, और
थाने के नूरजहां थाना जो है उसके बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट। यहाँ पर आए और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं अगर हमने कुछ मिस किया है तो हम इंशाल्लाह आपको इसका मतलब या आपको किसी और ऑयल की डिटेल चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ तो भी आपको कोई इंशाल्लाह कोई भी क्यूरीज है आपकी किसी की भी तो हम ये हमारे भाई जो हैं ये इन्फॉर्मेशन के माशाल्लाह बड़ा पके तो इंशाल्लाह ये हम आपको चीज़ें बताते रहेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले रिव्यू के साथ गाड़ी के साथ मुलाकात होती है या किसी और गाड़ी के रिलेटेड सामान से मुलाकात होती है, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।